हम दोनों अभी नहा के बाहर आए, मना को मैंने नहला दिया है, कपड़े वपड़े पहना के रेडी कर दिया है क्योंकि नेहा गई थी कुछ काम करने बाहर का। आज अपना छुट्टी है तो वैसे भी कुछ करना नहीं था, तो सोचा कि उसको रेडी कर देते। बाद में आज मम्मी पापा गए हुए काम से नवसारी साइड, यहाँ को रेस्ट चाहिए आज के दिन, तो अपने सोचा चलो लंच में अपने कुछ काठियावाड़ी खाना खा के आते, तो वो जाने वाले। महानांग दिखा रहा है कि गाड़ी के पैसा जो पैंडे पैंडे गुजराती में बोलते, टायर जो होते हैं छोटे वाले वो टूट गए, मानक ने तोड़ दिया है इतने। ये देखो मानक के साथ मुझे भी मजदूरी करनी पड़ रही है, और ये देखो मानक पीछे आ रहा है, और ये बैग मेरे हाथ से गिर गया, और ये देखो पूरे सब खिलौने रोज सुबह से शाम यहाँ से ऊपर ऊपर से नीचे यही करना है इसको। चलो 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 उचका से फटाफट आओ नीचे। ऑलमोस्ट हम लोग 12 बजे से तैयार होके बैठे, नेहा की राह देख रहे हैं, पर नेहा देखो तैयार होके इसका हमेशा का नाटक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करती रहेगी। देखो क्यों लेट कर रही है तू नेहा, हमको भूख लगी है, क्यों लेट कर रही है, हाउस होल्ड जिम्मेदारियों के दबे हम ये कर रहे हैं। कुछ नाटक है, आज तो हमने उसको छुट्टी दी है, खाना खाने ले जा रहे हैं कि उसको आराम मिले बाहर, तो अभी इसका काम खत्म ही नहीं होता है, हर रोज का है। और ये देखो हमारी दूसरी सेठानी ज्योत्सना बहन वो हमारे घर पे काम करते हैं। यहाँ क्यों इतना टाइम लगता है तेरे को हमेशा? बस ऐसे ही लगता है। अभी नेहा का गुस्सा आ रहा है पर कैमरे के सामने नहीं दिखाएगी, क्यों नहीं दिखाएगी? मानक देखो पैजामा पहन के आ रहा है हमारे साथ खाने खाने इसको बोला जींस पहन ले तो नहीं पहन रहा है, मानक गोविंदा जैसा दिख रहा है, देख गोविंदा। काठियावाड़ी खाने के लिए, कौन सा है काठियावाड़ी? इसको काठियावाड़ी खाना है, काठियावाड़ी खड़की मनो तेरे खावानो छे, चलो तो ये आ गया हमारा खाना, पूरी थाली, नेहा के भी पूरी थाली, काठियावाड़ी खाना खाने आए थे, ये स्वीट है, दाल कड़ी सब्जी रोटी सब आ गया है। कैसा लग रहा है नेहा? बहुत अच्छा है। मानो तो चलो हम फटाफट से खाना खत्म करते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी हम खाना वाना खा के आ गए हैं, बहुत ही पेट फुल हो गया था, 270 रुपए पर प्लेट और इतना सारा खाना, खाना भी अच्छा था, मजा आ गया। मानांग का भी पेट भर गया है, ऐसा बोल रहा है मानांग, दिखा बड़ा पेट तेरा मजा आया खाना, एकदम टेस्टी खाना, 540 रुपीस में पेट भर के खाना खा लिया है दबा के। नेहा ने आज मेरे से ज्यादा खाना खाया, उसके बारे में कुछ कहना है नेहा? कुछ कहना नहीं है, अगर आपने आज कम खाया इसलिए आपको मेरा ज्यादा लगा। ऐसा कुछ नहीं है, नेहा अच्छा खाना होता है तो ज्यादा ही खाती है, और दूसरा मेरे को ऐसा बोलती है कि ये शूट किया क्या दबा दब खाया है तो मेरी चैनल को रिपोर्ट करेगी, ऐसा बोल रही थी वो तो करूंगी। मेरे साथ मानांग ने भी खाना खाया इसलिए हम दोनों ने एक डिश में से खाया। मानांग मुश्किल से थोड़ा सा खाता है, कुछ नहीं इसने दबा दबा के खाना खाया है, बस अभी शाम को अपने बाइक लेके जाएंगे तब मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए आप बने रहिए, बस 2 सेकंड इधर उधर सिर घुमाइए और बाद में आ जाइए। 2 hours later तो यार छुट्टी तो पता नहीं कैसे खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज गए और मैं जा रहा हूँ फ्रेंड लोगों को मिलने, और नेहा लोग जा रहे हैं इन ऑर्बिट मॉल में शॉपिंग करने के लिए। नेहा घर का काम कर रही है, नेहा बाय बाय।
सीओ। तो पिछले हफ्ते मैंने जैसे बोला था मैं बाइक धुलवाने जाना था, दूसरे दिन में गया था और पूरी बाइक मैंने धुलवा दी थी, आप देख सकते हो पीछे। अभी एक चीज़ और है, ये देखो पूरी बाइक धुलवा के मैंने रख दी थी। और एक चीज़ और है, इसका जो कवर है मैं जस्ट अब भी देखा कि इसका कवर, इसके ऊपर कवर रहता है कि लाइट टूट ना जाए, तो कवर मेरा धोने वाले के वहाँ पर रह गया। तो पहले अपने वहाँ पे जाएंगे, अपने कवर डलवाएंगे, उसके बाद वहाँ कैफे पे जाते हैं। अभी जाएंगे वहाँ पे विनय भाई की शॉप पे, ये कवर डलवाते हैं। यार मिसप्लेस ना हो गया तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। तो यहाँ से कमाटी बाग चालू होता है, ये गेट नंबर 1 है पूरा वहाँ का, काला घोड़ा सर्कल तक। जो लोग बड़ौदा के उनको तो पता ही होगा, जो लोग बड़ौदा से नहीं है जो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और अभी अंधेरा अंधेरा सा छाने लगा होगा, क्योंकि अभी होने आई है शाम। ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, टेंशन हो जाता है बड़ी बाइक लेके निकलने का ट्रैफिक में, कहीं कोई अपने को अड़ा ना दे पीछे से। टाइगर होती तो चल जाता, टाइगर के पैनियर एल्यूमिनियम के थे, इसके प्लास्टिक के है, टूट गए तो बड़ा महंगा खर्चा आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ, आप कमेंट में बता दें कि क्या करा जाए। मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले पैनियर बेच के अपने इसमें स्टील के, मतलब एल्यूमिनियम वाले पैनियर्स डलवा देते हैं, हेप्को बेकर या किसी और कंपनी के। आप अगर बोलते हो तो ऐसा करते हैं, अपने ये वाले पैनियर बेचते हैं और वो वाले पैनियर लगाते हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा करे। देखो अभी ये विनय भाई की शॉप आ गई है, क्या आ गया है अपना सर्कल, काला घोड़ा सर्कल, ये बहुत फेमस सर्कल है काला घोड़ा। यहाँ पे है विनय भाई की शॉप। अच्छा कवर बाइक काढ़ी तारे खबर पड़ी कवर हमणा, मैं कीधु नखाव तो जो बजे अहिया थी मैंने वो तू कदा तमने भी याद नहीं होई, केम के फोन आयो नहीं विनय बहनो गयो। तो मिल गए अपने कवर, बाकी से साफ करवा। तो ये रहे अपने कवर जो लगेंगे लाइट के ऊपर, ये टफन ग्लास है एक्चुअली में, कि लाइट टूटे नहीं उसके लिए पत्थर वत्थर लग के। अपने पास ऐसे दो है, एक येलो कलर का भी है जो लगाएंगे अपने कभी नाइट राइड करेंगे तब, पर दिए हुए आकाश भाई ने दोनों कवर। दूसरा के मेरा ये एग्जॉस्ट का नीचे का कैथोलिक कन्वर्टर, वो आकाश भाई के पास पड़ा था, मैं लेके आ गया हूँ आकाश भाई के घर से। वो भी आपको रात को ये वीडियो में दिखाऊंगा या फिर अगले वीडियो में दिखाई दूंगा, पड़ा हुआ है मेरे पास जो मैं लेके आ गया, जिसकी वजह से ये फुल सिस्टम है। उसमें फुल सिस्टम पाइप नहीं डाला है, पर उसको कैथोलिक कन्वर्टर कट किया है कि आवाज ज्यादा है, पर सूदिंग और अच्छी साउंड है, बस इतनी साउंड काफी है अपने लिए। ये रहे कवर अपना, ये रहे और इधर लगेगा अपनी लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला। उधर बबाल लपड़ा हो गया है, चलो अपना निकलते अपना काम खत्म। सिटी में ये बड़ा जहाज लेके निकलने में तकलीफ है, कि वैसे भी ये संडे राइड में ना आराम किया था, कोई राइड नहीं की थी संडे को, इतना ट्रैफिक होता है। अभी किस किस को बोलोगे, किस किस से बाइक को बचाओगे, कहीं गलती से किसी ने पैनिक ब्रेकिंग की जगह पे आके घुस गया तो अपना पैनियर का तो राम राम सत्य वहीं पे हो जाएगा। और ये पता नहीं कहाँ से आ रही है खटखट खटखट आवाज, ये ढूंढनी पड़ेगी मेरे को यार। मेरे ख्याल से ये यहाँ से ढीला हो गया है। और ये देखो प्यारा सा सनसेट हो रहा है, यहाँ से भी सनसेट अच्छा दिख रहा है यार, शाम को आके इधर बैठना पड़ेगा सनसेट पॉइंट बना, जब मन करे अच्छा सनसेट देखने का। गर्मी लगना चालू हो जाएगी, फटाफट से पहुंच जाते हैं और अपनों ने पहना है चड्डा, क्योंकि सिटी में ही जाना था। बड़ा शो ऑफ भी तो बनता है यार, पूरा पूरा दिन मैं पूरा पूरा हफ्ता पैंट पहन के ही घूमता हूँ, तो मैं अवॉइड करता हूँ छुट्टी के दिन पैंट पहनना। तो ये आ गया अपना विजय सेल्स वाला एमक्यूब मॉल, और वो कैफे किधर से है यार, किधर से है, मेरे ख्याल से यही है कैफे, ये होडोफोलिक तो कुछ तो लिखा है। यहाँ पे है ट्रैफिक, यहाँ पे जाना है अपने को कैफे, कहाँ से आएगा। तो अपने बाइक तो पहुँच गई है, यहाँ पे जाने का रास्ता अंदर से थोड़ा गाड़ी की वजह से, तो ये गाड़ी की वजह से अपनी बाइक अंदर नहीं जा पाएगी, तो ये हटेगी उसके बाद। अभी इसको ढूंढते, तब तक चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों। तो अभी हम लोग पहुँच गए ये कैफे पे, इसका नाम थोड़ा टंग ट्विस्टेड वाला नाम है, तो अपने को थोड़ा बोलने में तकलीफ होगा कुछ तो। होडोफोलिक ऐसा कुछ तो नाम है, ये रहा कैफे पूरा होडोफोलिक कैफे। ये अपना विजय सेल्स के पास है, यहाँ से इसका एंट्री है। यहाँ पे अपनी सारी बाइक्स लगी हुई है, यहाँ पे देखो अपनी Z900 है, अपनी वर्सेस 1000 है, वहाँ पे हिमालयन है, यहाँ पे स्ट्रीट ट्रिपल है, यहाँ पे अपनी बूसा वाइट सेकेंड जनरेशन बूसा ग्रे, यहाँ पे है अपनी ZX10R, यहाँ पे है डुकाटी। देखो कैफे के अंदर हमने बाइक पार्क की है RC8, और ये है अपनी थर्ड जनरेशन हायाबूसा, और ये पूरा बड़ा सा कैफे बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, पर काफ़ी अच्छा कैफे बनाया हुआ है। अभी अपना जो कुछ मीटिंग है वो चल रहा है, बाकी आज अपने यहाँ पे इकट्ठा होने का प्लान था, अभी यहाँ पे प्लान बनेगा उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे सबके हेलमेट वेलमेट रखाए हुए हैं, और ये पूरी बाइक है यहाँ पे पार्क करके रखी हुई है। मैं नहीं मानता कोई भी ब्लॉगर तुम्हारे आगे कुछ है, आकाश भी तुम्हारे साथ ना 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 मैं नहीं मानता भाई, सबसे बड़े ब्लॉगर तुम हो।
सबसे बड़ा तो यही है और सबसे बड़ा अंटेबाज मेरे को बोलता है 5 बजे मिलना है। मैंने देखा है एक दो ब्लॉग, उसके तो मैं जिंदगी में ब्लॉग नहीं देखा। पर ये ब्लॉग है तुम्हारे, ये बोलता है मेरे को कि 5 बजे आ जाए ना मिलेंगे। हाँ के दाढ़ी करवा के और आपने वहाँ से ब्लॉग बंद कर दिया, थोड़ी चलता है यार। मैंने वापस चालू किया तो अभी अच्छा है। अभी अभी अपने साथ ट्रेजेडी क्या हो गई, मैं बैठने गया और ये सोफा पूरा टूट गया भाई, ये सोफा टूट गया। अभी यहाँ से अपने को मार पड़ने वाली है, बोलेगा ये ओनर जो है वो बोलने वाला है कि भाई खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा मारा ना। कितना हुआ मेरे हिसाब से भाई? 2000 आए, 2300 रुपए आएगा। सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, 2300 रुपए आएगा पर हेड। 2000 कैसे हो सकता है? 2300 पर डे का, 2300 रहने का। डिस्कशन चल रहा है अपना, डिस्कशन अपना चल ही जा रहा है अभी भी, अभी तक हुआ नहीं। किसका पैसों का तो मैं पे कर दूंगा। बने रहिए आगे के ब्लॉग में, तभी आपको पता चलेगा क्या है। भाई 5000 पर हेड पागल हो गया क्या? 2 दिन का हो तो समझ सकता हूँ। 2 दिन का बोला, 2 दिन का ही बोला। 1000 रुपए में एक एक आधी टंकी फुल होगी, आधे रास्ते तो पहुँच गए। 300-400-500 देख लेना, ठीक है? यहाँ पे ये भाई रील बनाते हुए, प्लानिंग कैसा है, कैसा चल रहा है? प्लानिंग ठीक ठाक चल रहा है। क्या बोलने का, तुम तो अंदर के आदमी हो यार, तुम तो बड़े भाई जैसे हो, शेयर नहीं करते। प्लानिंग अपनी राइड में होता ही नहीं, इंस्टेंट जो हुआ वो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हसन भाई को भी पूछ लेते, हसन भाई भी आने वाला है। भूसा पे चल रहे हैं, हसन भाई की भूसा है ये वाली, इसके ऊपर ये आने वाला है राइड पे। अभी पता नहीं वो कितना आराम से आएंगे, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। चलो सबको बाय बोलने का टाइम आ गया है, कोई बात नहीं, चलो भाई मिलते हैं, चलो भाई मिलते हैं, चल मिलते हैं। कौन सोनी है ये? टीवा भी गोल्ड का, वो भाई का है। तू चलना भाई। अरे सच्ची में? हाँ तो सोने का तू करवा लेना, चलो भाई मिलते हैं, चलो भाई चलो ब्रो मिलते हैं, चल भाई चोरी कर लूंगा मैं, मिलते हैं। हसन भाई किधर किधर गोल गोल घूम रहे हो? चलो मिलते हैं, मैं निकल रहा हूँ। मैं तो मोड़ासा वाला ही बोलता हूँ तुमको, ये तो हिम्मत नगर वाला बहुत खराब रूट है। तो सब जगह पे दिवाली की लाइटिंग हो गई है, अपने कैफे से निकल चुके हैं, अभी घर जा रहे हैं और नेहा के साथ थोड़ा खाना वाना खाने जाएंगे। मम्मी पापा भी बाहर गए थे तो दिवाली का माहौल आ गया है। देखो अभी हम घर गिरने वाला था तो अभी हम घर आ गए घूम के। और ये देखो माना है कि यहाँ पे खेल रहा है, और ये देखो सब जगह दिवाली दिवाली का माहौल है। तो बस कुछ नहीं, देखो अभी जा रहे हैं अपने घर में,
नेहा के साथ और निर्मित भाई और वो लोग आने वाले, तो अपने घूमने जाएंगे। नेहा रेडी बैठी हुई है, वड़ा पाव दबाएगी, आज तो इतना खाया है, अभी वड़ा पाव भी दबाएगी तो गपा गप। 5 मंगाए थे, 1 तू खाने वाली है, मुझे पता है। I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker.